गार्डन रीच बिल्डिंग हादसे को लेकर जहां एक ओर केएमसी प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी केएमसी की एक काउंसलर के खिलाफ मेटियाब्रुज के एक कारोबारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मेटियाब्रुज के वार्ड नंबर 138 में सूफी काट गोला में एक 22 कट्ठा जमीन को तालाब बनाए जाने और कारोबारी से 1 करोड़ रुपए और मार्केट में दुकान और मार्केट के छत में जगह मांगने के आरोपों को लेकर पिछले दिन बीएम एकता इंडस्ट्री के एमडी दिलवर ठांडेर ने राजधानी नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचकर वार्ड नंबर 138 की काउंसलर के खिलाफ आर्थिक लेनदेन की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि बीएम एकता इंडस्ट्रीज के एमडी दिलवर ठांडेर ने इससे पहले भी ये कहा था कि किस तरह से काउंसलर को 1 करोड़ रुपए और ऑन डिमांड पूरे नहीं किए जाने के बाद उनकी सॉलिड जमीन को जेसीबी मशीन लगाकर काउंसलर ने एक तालाब बना दिया और दूसरी ओर उन्होंने आरोप लगाया कि जहां उनकी सॉलिड जमीन को तालाब बना दिया गया तो वहीं इसी काउंसलर ने वार्ड नंबर 138 में कई तालाब को अवैध रूप से बिल्डिंग बनाने में मदद की। दिलवर ठांडेर ने कहा कि मैंने अपने ऊपर हो रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर मेयर फिराद हाकिम तक सभी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है, मगर अब तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए अब न्यायालय पर मेरा विश्वास है और ये लोग तो न्यायालय का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे हर दफ्तर में चिट्ठी किया है, हर जगह में हम दरवाजे खटखटाया और कानून भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और जो हमारा पेपर वर्क भी जो भी हमारा सब ऑथेंटिक है साथ नहीं दे रहा है। तो हम इसीलिए पार्लियामेंट में गया था 18 तारीख को, पार्लियामेंट में जाके पीएमओ ऑफिस में जाके हम पूरा डिक्लेयर बोला ऐसा ऐसा हमसे हो रहा है, अरे हमारा एक दरखास्त दे के आया वहाँ पे जी हमको देखिए। जब हम लोग 138 का काउंसलर फरीदा परवीन किस टाइप का जुलूम करके हम लोग को बर्बाद कर दिया, आज 1 CR मांगा था हम दे नहीं पाया, 5 दुकान मांगा था दे नहीं पाया, छत मांगा था। तो हर एक आदमी से ऐसा ऐसा मांगता है, हर एक आदमी से पैसे मांगता है, वो लोग इलीगल काम नहीं करेगा तो लीगल काम कैसे करेगा। हर जगह जाते 138 नंबर वार्ड का जो काउंसलर है सबसे डिमांड करता है जब हम कितना रुपये देने पड़ेगा, कितना रुपये देने पड़ेगा, प्रोमोटर लोग इलीगल काम करेगा ना तो लीगल काम कैसे करेगा। हर काम में 138 नंबर वार्ड का काउंसलर को पेमेंट देने पड़ेगा तभी उसको वो काम करने देगा। मैक्सिमम इलीगल काम कराता है फरीदा परवीन, मैक्सिमम इलीगल काम फरीदा परवीन कराता है यहाँ पे, और आदमी लीगल काम कैसे करने जाएगा ये जब डिमांड करेगा 20 लाख चाहिए हमको, वो भी वो बेचारा प्रोमोटर भी क्या करेगा। ये गवर्नमेंट का टैक्स भी खराब हो रहा है इसमें और स्टेट का सब कुछ खराब हो रहा है यहाँ पे। कुछ दिन में देखिए ना, हम लोग का जो 138 नंबर वार्ड में ऐसे ऐसे जाएगा फरीदा परवीन जो 138 नंबर वार्ड का काउंसिलर, कितना तालाब भर के जो तालाब है ओरिजिनल तालाब था, मछली चाश होता है, आदमी जहाँ था तभी वो हमारे पास डिटेल सब है, उसको पैसा लेके जमीन भर के उसमें बिल्डिंग भी बनाया। आप पता करिए 138 नंबर वार्ड में काफ़ी 138 नंबर वार्ड में हमारा पास कम से कम तो 15-16 हमारा पास एविडेंस है ऑलरेडी। ओरिजिनल पुकुर है एक पुकुर, वो शांत था, शांत समझता आप, शांत जो शांत था अभी भी है वो जब फरीदाबाद में आया काउंसलर जब हुआ तभी उनको सभी काकलाम एक जगह में वो 30 कट्टा 35 कट्टा जमीन पूरा भराया, अभी भी आप खोलने से शान दिखेगा वहाँ पे। तो वो स्कैम कर रहा है, हम लोग का पार्टी का भी बदनाम कर रहा है और फरीदाबाद में जिस हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ पे पार्टी को तो सत्यानाश कर दे रहा है। क्यों कर रहा है पार्टी लोग क्यों देखता नहीं है बारे में, कुछ समझ में हमको भी नहीं आता क्यों देखता नहीं है बारे में। जो अभी गार्डन रीच में जो कांड हुआ रविवार रात को जो 10-11 लोग मारे गए और वो तो वाटर बॉडी पे बिल्डिंग बना था, अवैध बिल्डिंग, तो क्या आपका ये कहना है कि 138 नंबर वार्ड में बहुत सारा ऐसा वाटर बॉडी था जिसको जो है अवैध भावे बिल्डिंग बना दिया गया? देखिए गारंटी में वो हमारा वार्ड का बात वो बोल रहा है, 138 नंबर वार्ड में हमारा देखा हुआ जो चीज़ है जो ऑलरेडी तालाब था रहा था आदमी फरीदाबाद में खुद उसका बिल्डिंग का फोटो भी हमारा पास है उसका बिल्डिंग को पैसे किसी 10 लाख लिया 20 लाख लिया। कुछ दिन पहले बोल रहा हूँ आपको एक बड़ा कांड किया फरीदा परवीन, उसका ऊपर में 50,000 स्क्वायर फुट होगा कम बेसी होगा। इलीगल काम अभी भी हो रहा है तो इलीगल काम छत बना रहा है, ना केएमसी देख रहा है ना कुछ देख रहा है ना कोई देख रहा है, और वो फरीदा परवीन पैसा लेके वो काम करा रहा है। आप बोला फरीदा परवीन पैसा लिया, आपका कैसे प्रूफ है? अगर पैसा नहीं लेता है फरीदा परवीन जहाँ भी काम होता है रोक देता है काम, अब वहाँ पर इतना बड़ा इलीगल काम हो रहा है जहाँ पर, तो वहाँ पर पैसा नहीं लिया ना केएमसी देख रहा है ना कोई देख रहा है, सबको मालूम है इतना बड़ा बड़ा ये लोग काम कर रहे हैं फरीदाबाद में।
देखिए हाईकोर्ट में हम इससे पहले गया था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में हम लोग को राय दिया है जो नीचे को जो निचले कोर्ट का जो आदेश है उसका मानिए, तो फरीदाबाद भी वो कोर्ट भी आदेश माना नहीं। जब हम हाईकोर्ट में कंप्लेन किया उस टाइम 50 लाख का माटी लेके चला गया था। उसके बाद क्या क्या देखिए, हाईकोर्ट का ये करने के बाद ही माटी कम कंटिन्यू उठा कर लेके गया, कम से कम 1 CR के ऊपर माटी उठा कर लेके गया। पहले जब हम लोग सिविल कोर्ट का जो इंजंक्शन ऑर्डर था उस टाइम 50 लाख का माटी उठा लिया था, फिर हाईकोर्ट में जब गया उस टाइम हम मीडिया को बोला 50 लाख का माटी लिया, उसके बाद कम से कम 1 करोड़ का माटी लेके चला गया। माटी लेके क्यों गया, हमारा जो सॉलिड जमीन था, कोर्ट का ऑर्डर था, हम लोग का डिग्री था कोर्ट से, वो 50 साल से केस चल के वो जमीन को जमीन 50 साल से केस डिग्री चल के वो जमीन का डिविजन करके दिया कोर्ट, कोर्ट लैंड डिमार्केशन कोर्ट का ऑर्डर है हमारा पास। वो सब देख वो सब सुना भी नहीं, वो खड़ा होकर बोला हम जब तक नहीं खोलेगा सांस नहीं लेगा, वो मीडिया में बोला है वो बात। अब मीडिया में वो ये बात भी बोला है जे हम मांगा नहीं हमको देगा बोला पैसा, किसी का पैसा उसको बोला का देगा, वो न्यूज़18 में ये बात बोला है हम मांगा नहीं हमको देगा बोला, अगर हम देगा बोला तो वो अकाउंट नंबर हमको क्यों दिया फिर, वो तो सब प्रूफ होगा जब हम लोग को कॉन्टेंट फाइल किया है, कॉन्टेंट फाइल किया कुछ दिन 28 तारीख को या 30 तारीख कॉन्टेंट फाइल उठेगा वहाँ पे। देखिए हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी जो ममता बनर्जी, उनसे हम एक ही दरखास्त चाहता है, एक बात जो एक बार इसको गोविंदा में या कुछ SB डिपार्टमेंट में जो भी है इसको जांच कर रही है, पता लगेगा फरीदाबाद बिन कैसा है, किस टाइप का लेडी है, आज पार्टी को बदनाम कर रहा है, हर वो इतना करप्शन कर रहा है। अब उसके बारे में कभी CID तो हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि CID ये लोग जब उसे हम लोग का बात मानता नहीं, ओपन खोलता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर मानता नहीं है, उसने CBI अगर लगाएंगे ना इसके पीछे में कहाँ कहाँ पैसे भेजा, किससे अकाउंट में भेजा, कहाँ कहाँ क्या किया, फरीदाबाद में पूरा गार्डन इसका लूट कर रहा है, उसके साथ में और भी कोई है वो सामने आएगा, जब CBI इनके ऊपर होगा तब सामने में आएगा उनके साथ कौन कौन मिला हुआ है, हम सबका नाम नहीं बोलना चाहते, और दुश्मन कभी दुश्मन हो गया हमारा मारने का धमकी भी दे रहा हमको, कभी ठेठ भी आया था हमारा पास, तो हम ये सब बोलना नहीं चाहते, मगर उनको ऊपर देखिए हमारा बहुत सा आदमी बहुत जगह बोलता है तुमको मार डालेगा, तुमको केस उठा लो, बहुत कुछ हमारा पास खबर आया, तो हम चाहते हैं तू मार डालेगा, मार के अगर हम केस भी उठाएगा नहीं, हम केस ही चलाएगा, मारेगा मार दो, बहुत जगह से हमारा खबर आया, तो हम एक थाना में कंप्लेंट भी किया इसके लिए जो हमारा पास ऐसा छेड़ आ रहा था। कौन थाना? राजाबगन थाना में, हम राजाबगन थाना में DCP में कंप्लेंट भी किया है जो हमारा पास बाहर से खबर आ रहा है ऐसा ऐसा, कोई बोल रहा है ऐसा कर देगा ऐसा कर देगा, हम बोला लड़ाई हम छोड़ेगा नहीं, सच के साथ सर झुकाएगा नहीं, सच सामने लाएगा लाएगा सच। आज हमारा ओरिजिनल जमीन है जो उसको पुकुर बनाया आ रहा, जो पुकुर था उसको भर के वो लोग बिल्डिंग बना रहा, वो फरीदाबाद बिन 103 नंबर वार्ड का काउंसिलर, अब नहीं तो जांच कराइए सब पता लगेगा फरीदाबाद बिन 103 नंबर वार्ड का किस तरह पे स्कैम कर रहा है, स्कैम पे स्कैम कर रहा है। यहाँ का उस्ताद लोग हम लोग का जो उस्ताद भाई लोग सादा सीधा है, कोई मुंह नहीं खोल रहा, डर से मुंह नहीं खोल रहा है, हमको सब आदमी बोलता तुम काउंसिल का बारे बोल दे रहा हर बात, हम बोला जान जाएगा तो हजारों आदमी का भला तो होगा कम से कम, यही बात है हमारा। हेलो, माइसेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अलजन्ना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। टिकट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।